मैं दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे परीक्षा 2018 की दृष्टि से पिछले 10 सालों में पूछे गए प्रश्न। दोस्तों ये 25 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं और दोस्तों उम्मीद है कि 2018 में भी इन प्रश्नों में से एक से दो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहला और आपको बता दूं कि मैंने प्रश्न लिखा है उसके चार ऑप्शन लिखे हैं और उसके बाद उसका एक आंसर लिखा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को आज तक देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है। पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है, दोस्तों पीतल तांबा और जिंक का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, यानी आयोडीन की कमी से आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से आपको घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है, ऑप्शन नंबर ए यानी नाइट्रोजन है जो दोस्तों किस ये फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी यानी सिनेबार से आपका पारा प्राप्त किया जा सकता है। क्यूरी किसकी इकाई है, दोस्तों क्यूरी आपकी रेडियो सक्रियता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, यानी इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे निकट दृष्टि दोष बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। पराग वैज्ञानिक परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व तो आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यानी आग आवश्यक नहीं है परागण के लिए। मेक संख्या निम्न में से किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी यानी हवाई जहाज से संबंधित है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी 206 हड्डियां होती हैं। निम्न में से कौन ठोस नहीं है, यानी आपका सोडियम ठोस होता है, पोटेशियम ठोस होता है, स्ट्रॉन्शियम आपका जो ठोस होता है, पारा आपका ठोस नहीं होता है। दोस्तों ये द्रव यानी तरल टाइप का होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में आपके दोस्तों 7 रंग होते हैं यानी नारंगी टाइप के होते हैं। इसके बाद निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका यानी जो आपके पित्त रस होता है वो भोजन का पाचन करता है। इंटीरियर बीज का टीक कब दिया जाता है, इंटीरियर बीज का टीका कब दिया जाता है, दोस्तों ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए कुत्ते के काटने पर इसका टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए ईंधन में से किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी कोक में सर्वाधिक ऊष्मीय मान पाया जाता है। मलेरिया में कौन से मच्छर के काटने से होता है, यानी मलेरिया कौन से मच्छर काटने से होता है, मादा एनोफेलिस के ना के काटने से हमारे लिए मलेरिया हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण किस से होता है, प्रकाश संश्लेषण पेड़ों की पत्तियों से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधि का रोग हो जाता है जिसमें कम दिखाई देने लगता है। फास्फोरस प्रमुखता में निम्नलिखित में से किसके कारण पाया जाता है, यानी किसमें पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन में, प्रोटीन में फास्फोरस की प्रमुखता के कारण दोस्तों, यानी आपका ए जो फास्फोरस की प्रमुखता निम्नलिखित किसके कारण पाया जाता है, यानी प्रोटीन के कारण ही पाया जाता है। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है, समुद्र के जल में दोस्तों आयोडीन पाया जाता है। हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, ऑप्शन नंबर सी यानी राना टिग्रीना नाम दिया हुआ है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिनोजेन आपका एक प्रोटीन है जो रक्त को जमाने में काम आता है। सूर्य में किस गैस की अधिकता पाई जाती है, सूर्य में हाइड्रोजन गैस की सबसे ज्यादा अधिकता पाई जाती है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी यानी मज्जा के द्वारा होता है। दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके फिनिश हो गए और वीडियो बहुत ही आईएमपी है रेलवे ग्रुप डी के लिए और असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के लिए, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।